हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। हाय, मेरा नाम पिंकी रजक है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मैं एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। एट प्रेजेंट मैं कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। मैं मेरे इस चैनल में जो वीडियोज़ दे रही हूँ या आगे चल के दूँगी, वो सारी वीडियोज़ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट लोगों के लिए है और होगी। जो सारे स्टूडेंट यूजी पीजी कर रहे हैं सोशियोलॉजी में, जो एनटीए नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन सभी के लिए मेरी ये वीडियोज़ है। तो प्लीज़ मेरी सारी वीडियोज़ को स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा कि जैसे मैं आगे चल के और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को दे पाऊँ। और नेट के स्टूडेंट को बोल रही हूँ, प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। नेट के सिलेबस पे जितनी भी सारी टॉपिक्स है, मैं वो सारी टॉपिक्स आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी, मैं सारी टॉपिक्स कराऊंगी, भरोसा रखो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करती हूँ। आइए देखिए, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी। स्टार्टिंग से पहले मैं दो इम्पॉर्टेंट बात बता दे रही हूँ इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ बेसिक चीज़ है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन वो बेसिक सिर्फ नाम का ही बेसिक है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी बेसिक के ऊपर रिसर्च मेथोडोलॉजी की आगे की जितनी सारी टॉपिक है वो रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी को बेसिक जानना समझना बहुत ज़रूरी है, एक। और दूसरा है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो पढ़ा रही हूँ आज के वीडियो में या आगे जितने सारी वीडियोस दूंगी, वो सिर्फ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगी ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को नेट के लिए एक जनरल पेपर पढ़ना पड़ता है, तो उसमें भी आप लोगों के एक टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो भी आप लोगों की तैयार हो जाएगी अगर मेरी ये सारी वीडियोस को आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड, ठीक है। ये तीन चीज़ें ही समझने के लिए है, अगर ये तीन चीज़ें आप लोग समझ जाओगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप लोगों को समझने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, रिसर्च के नीचे मैंने क्या लिखा है, नॉलेज। मेथोडोलॉजी के नीचे मैंने क्या लिखा है, रूल्स। एंड मेथड के नीचे मैंने क्या लिखा है, टूल्स। तो पहले रिसर्च क्या है, चलिए वो समझाती हूँ। रिसर्च का मतलब ही होता है नॉलेज गैदर करना, मतलब ज्ञान प्राप्त करना। आपको कोई भी विषय में, चाहे वो कोई भी विषय हो, उस विषय में अगर आपको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, मतलब कि जो नॉलेज आपको चाहिए या मिल रही है वो नॉलेज अगर ट्रूथ नॉलेज चाहिए या ट्रूथ नॉलेज होगी, तो आपको उसके लिए रिसर्च करना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों में ही हम लोग रिसर्च करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़ी कोई चीज़ में ही खाली रिसर्च करते हैं, नहीं, छोटी छोटी चीज़ में ही हम लोग रिसर्च करते हैं, छोटे छोटे चीज़ से ही हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे एक बड़े जगह पे या बड़े लेवल पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो मैं आज उसी छोटे से एक एग्जाम्पल से आप लोगों को रिसर्च क्या होती है वो समझा रही हूँ, अच्छे से सुनो। आपने तय किया कि आप बिरयानी बनाओगे, फर्स्ट टाइम आप घर पर बिरयानी बनाओगे। फर्स्ट टाइम क्यों, क्योंकि इसके पहले आपको आता नहीं था। आज पहली बार बना रहे हो क्योंकि आपने सीखा है। तो ये सीखने के लिए आपने क्या किया है, रिसर्च किया है। कैसे, थ्रू द मोबाइल। आप इंटरनेट से रिसर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो। आपने देखा है, यूट्यूब के वीडियोस देखा है या गूगल पे रिसर्च गूगल किया है, गूगल पे जाके आपने रिसर्च किया है कि बिरयानी में क्या क्या लगता है, हमें क्या क्या डालना पड़ेगा, कैसे बनती है, कितने क्वांटिटी में हमें कितने सामान चाहिए, अच्छा इसके बाद ये बनता है, इसके बाद ये हमें फॉलो करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। या फिर आप मम्मी से भी सीख सकते हो कि आपकी मम्मी बनाती थी तो आपने मम्मी को देखा था, देखकर मम्मी को कहा मम्मी मुझे भी सीखना है, तो आपने मम्मी से सीखा है, तो आपने देखिए रिसर्च किया है वो नॉलेज प्राप्ति करने के लिए, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि बिरयानी बनती कैसी है, मुझे इस विषय में ज्ञान चाहिए, इसके लिए आपने क्या किया, रिसर्च किया। तो हम लोग बेसिकली नॉलेज गैदर करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी विषय में रिसर्च करते हैं,
ठीक है। और रिसर्च करते क्यों है, जैसे कि जो नॉलेज हमें चाहिए या मिलती है वो ऑथेंटिक हो, मतलब एकदम ट्रूथ हो या प्रॉपर नॉलेज हो, इसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। चलिए समझ में आ गया रिसर्च, बैक करके मैं पूरा रिलेट करके समझाऊंगी, एक एक पहले समझ जाओ, उसके बाद देखो मेथोडोलॉजी में आती हूँ। मेथोडोलॉजी का मतलब क्या लिख के रखा है, रूल्स। तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं कोई भी विषय पर नॉलेज गैदर करने के लिए, उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। मतलब कि आप कुछ सीख रहे हो तो आपको कुछ नियम फॉलो करके ही वो सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। आपको एक बैकग्राउंड में ही वो सीखना पड़ेगा, एक नियम में रह के वो सीखना पड़ेगा। समझा रही हूँ किस तरह, देखो जो नियम हम लोग फॉलो करके रिसर्च करते हैं वो नियम होती है सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। क्या होती है, सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। सिस्टमेटिकली क्या, कि आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो। आपने क्या सीखना था, बिरयानी बनाना, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो कि पहले मुझे इतने क्वांटिटी में बनाना है, तो इतने क्वांटिटी के लिए मुझे इतना इतना क्वांटिटी का सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये आपने पहले सीखा। उसके बाद दूसरे स्टेप पे गए कि अच्छा उसके बाद मुझे ये करना पड़ेगा। उसके बाद आप तीसरे स्टेप पे गए, चौथे पे गए, इस तरह आपने क्या किया, एक बिरयानी बनाना पूरा सीखा। तो जो सीखा आपने वो क्या था, ऑथेंटिक आपको नॉलेज मिल गया कि अच्छा बिरयानी जो बनने का रिजल्ट था वो रिजल्ट एकदम प्रॉपर आया है। क्यों प्रॉपर आया, अपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, इसीलिए। आपको पहले क्या करना था कि पहले आपको सही ढंग से सामान लेना था कि इतने क्वांटिटी में मुझे इतना इतना बनाना है, तो उसके लिए मुझे इतने क्वांटिटी का सामान चाहिए, आपने पहले ये सीखा। जब आपको यही चीज़ पता नहीं होगा कि क्या क्या चाहिए और कितने क्वांटिटी में चाहिए, तो आप ऐसे बनाओगे कैसे, यही पता नहीं होगा। आप तैयार हो गए कि मुझे बनाना है, हाँ, लेकिन पता ही नहीं है कि सामान क्या चाहिए। उसके बाद चलिए सामान पता चल गया, ये लेना है। उसके बाद जो लास्ट का काम है वो आपने पहले ही कर दिया, तो उस तरह से क्या होगा, अल्टीमेटली नॉलेज क्या होगा, ज़ीरो। नेट बैलेंस जीरो होगी कि हमें जो मुझे सीखना था वो सही ढंग से उसका रिजल्ट आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने सिस्टमेटिकली वो फॉलो ही नहीं किया, कि स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना था कि पहले ये करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मैंने वो किया ही नहीं, इसीलिए मेरा रिजल्ट गलत आया या जीरो आया। समझ में आया, इसीलिए क्या होता है कि हमें एक सिस्टम के वाइज, मतलब सिस्टमेटिकली हमें रिसर्च करना पड़ता है। और क्या है, साइंटिफिकली, मतलब कि साइंटिफिकली उसे कब कहते हैं, जब हम कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जब ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद उस चीज़ों से हम कुछ सवाल तैयार करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन, जो सवाल हमें रिसर्च के कामों पे क्या करती है, मदद करती है। कैसे, देखिए आपकी मम्मी बना रही है बिरयानी, अब मम्मी से सीख रहे हो तो आपने पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया कि हाँ मम्मी इतना बनाने के लिए इतना सामान ले रही है, अच्छा उतना बनाने के लिए उतना सामान ले रही है, अच्छा इसके बाद ये कर रही है, उसके बाद वो कर रही है, उसके बाद वो कर रही है। आपने पहले क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया पूरा काम को कि बिरयानी बनता कैसा है, ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद आपके मन में कुछ सवाल आए तो आपने वो सवाल को सजाया सही ढंग से, अच्छा मम्मी को मैं पहले ये सवाल पूछूंगी कि मम्मी आपने ये लिया था कितना अब मैंने देखा इतना बनाने के लिए आपने इतना लिया, तो क्या इतना बनाने के लिए इतना ही सामान चाहिए। दूसरा सवाल, अच्छा मम्मी इसके बाद आपने इस स्टेप फॉलो किया था तो ये स्टेप फॉलो करने से क्या होगा, मम्मी उसके बाद आपने वो स्टेप फॉलो किया, वो स्टेप फॉलो करने से क्या होगा, इस तरह क्या होगा। आपको देखिए ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको सवाल तैयार होंगी, और उस सवाल के थ्रू, मतलब हर स्टेप के, हर सवाल के थ्रू आपको क्या होगा, आंसर मिलेगा। जो आंसर आपका क्या होगा, नॉलेज, उसी नॉलेज से ही आप सीखोगे बिरयानी तैयार करना। समझ में आया, तो हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज प्राप्ति के लिए रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च कैसे हो रहा है, एक रूल्स के अंडर हो रही है, मतलब हम उसके लिए कुछ नियम फॉलो कर रहे हैं कि जैसे जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसका नॉलेज हो प्रॉपर या ऑथेंटिक, उसके लिए हम कुछ नियम फॉलो कर रहे हैं। वो नियम कैसा है, साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली, जिसे हम मेथोडोलॉजी कह रहे हैं। समझ में आया, उम्मीद करती हूँ कि रिसर्च क्या होती है और मेथोडोलॉजी क्या होती है आप लोगों को समझ में आई है। दोस्तों चलिए इसके बाद आती हूँ मेथड पर। देखिए मेथड के नीचे मैंने क्या लिखा है, टूल्स, और क्या लिखा है, ए रिसर्च मेथड इज द टूल यूज्ड इन कैरिंग आउट द रिसर्च। बहुत आसान है ये चीज़ समझना, समझो आपको क्या बनाना था दोस्तों, बिरयानी। तो उसके पहले आपने क्या किया है, उसके ऊपर रिसर्च किया है कि कैसे बनता है बिरयानी, रिसर्च किया था। और रिसर्च के
थ्रू जो नॉलेज आपको चाहिए था वो ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए था या प्रॉपर नॉलेज चाहिए था, उसके लिए आपने क्या किया, कुछ नियम फॉलो किया, यही नियम फॉलो करके करूंगी तो मेरा जो रिजल्ट निकलेगा वो एकदम सही रिजल्ट निकलेगा। तो नियम क्या था, सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली, ये दो चीज आपने ध्यान रख के आपने क्या किया, रिसर्च किया, समझ में आया। अब आते हूँ मेथड पर, तो आपको क्या बनाना है, बिरयानी, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सामान, विदाउट सामान आप तो बिरयानी बना नहीं सकते हो, आपने सीख लिया, अब आपको बनाना है तो उसके लिए तो आपको सामान चाहिए, क्या चाहिए, चावल चाहिए, मसाले चाहिए, चिकन मटन जो भी हो चाहिए, उसको पकाने के लिए आपको आग की ज़रूरत है, ये सब चाहिए ना, यही सब होती है मेथड, जिसे हम टूल्स कहते हैं, कि कोई भी रिसर्च कॉन्डक्ट करने के लिए उसके नियम के साथ साथ हमें सामान की भी ज़रूरत होती है। नियम हमने सीख लिया, अब हम रिसर्च कर रहे हैं लेकिन सामान ही नहीं रहेगा, टूल्स ही नहीं रहेगा, तो हम वो रिसर्च कंप्लीट करेंगे कैसे। जैसे मैंने कहा कि बिरयानी आपको बनाना है तो उसके लिए तो आपको सामान की ज़रूरत है, आपने सीख लिया, एक रूल्स फॉलो करके आपने सीख लिया, अब आप आज बना रहे हो तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको सामान की ज़रूरत है, सामान अगर नहीं रहेगी तो आप सीख कर भी बना नहीं पाओगे। मेथड इसीलिए बहुत ज़रूरी है, इसी मेथड को हम लोग टूल्स कह रहे हैं, समझ में आया। देखिए रिसर्च मतलब क्या होती है, नॉलेज प्राप्ति करना या ज्ञान प्राप्त करना, जो ज्ञान हम किस तरह प्राप्त करते हैं, एक रूल्स के अंडर में या नियम फॉलो करके, जो नियम हम किस तरह फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली फॉलो करते हैं, और उसी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए या कॉन्डक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड की यूज़ करते हैं या टूल्स का यूज़ करते हैं, जिस टूल्स को काम पर लगा कर हम कुछ नियम फॉलो करके एक रिसर्च को कॉन्डक्ट करते हैं, जो रिसर्च के थ्रू हमें नॉलेज प्राप्त होती है, और वो नॉलेज होती है क्या, ऑथेंटिक नॉलेज, समझ में आया। यही है दोस्तों रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके बाहर और कुछ नहीं है। आप लोगों को रिसर्च क्या होती है, मेथोडोलॉजी क्या होती है, और मेथड क्या होती है, ये अलग अलग तरीके से आप लोगों को समझना और सीखना पड़ेगा। अगर ये आप लोग क्लियर कर लोगे तो उम्मीद करती हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडर जो भी मैं इसके बाद पढ़ाऊंगी वो आप लोगों को समझना बहुत आसान होगा। तो मेरे में इस वीडियो से मैं ये उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप लोगों को आज क्लियर हो गया है कि अच्छा रिसर्च होता क्या है, अच्छा मेथोडोलॉजी क्या होती है, अच्छा मेथड क्या होती है, मैंने बहुत आसान एग्जाम्पल से समझाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो से रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड को समझोगे। इसके बाद की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी मेथोडोलॉजी के अंडर जो सारी टाइप्स होती है और मेथड के अंडर जो सारी टाइप्स होती है। दोस्तों जो सारी स्टूडेंट है आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हो मेथोडोलॉजी के अंडर टाइप पे और मेथड के अंदर के टाइप पे, आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि कौन सा टाइप किस में होगा। तो इसके बाद की वीडियो अगर वॉच करोगे तो आप लोगों को वो भी डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को देखिएगा कि जैसे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस दे पाऊँ। सब अच्छे रहना, आज के लिए इतना ही, बाय।